गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन शहर के हर बूथ पर जाकर मतदान की गतिविधियों पर नजर रखे रहे। बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने दावा किया कि देश में मोदी जी के नाम की लहर चल रही है। जहां भी जाओ बस मोदी और योगी का ही नाम सुनाई देता है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है। साथ ही रवि किशन ने किसी भी दल से किसी तरह की चुनौती से इनकार किया और कहा कि ये क्षेत्र योगी और बीजेपी का गढ़ है और यहाँ से किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो अपना दावा पेश करे। गोरखपुर न्यूज बात करते हुए बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने कहा, हमारी बड़ी बहन बड़ा नहीं मिला नमो बा कितना ऐतिहासिक, ऐसी वोटिंग हम सोचे नहीं थे। इतनी भाभी तक 14-15% हो चुका है और अभी बज रहे हैं 9:50, मतलब ऐतिहासिक वोटिंग। जहां से भी खबर आ रही है, एक उत्सव की तरह पूरा गोरखपुर सड़क पर आ गया है। ग्रामीण हो, शहर हो, नगर ग्रामीण हो, नगर हो, बहुत बहुत अद्भुत हो रहा है। और मौसम भी बाबा गोरक्षनाथ महादेव साथ दे रहे हैं, मौसम भी इतना अच्छा है आज, जैसे कि ईश्वर सारी कृपाएं हैं आज हमारे पूज्य महाराज जी का सम्मान लौटाने के लिए। मंदिर की सीट मंदिर में वापस जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार फिर मोदी सरकार, एक मजबूत सरकार और एक पूरी ताकत के साथ हमारी सरकार बन रही है और ऐतिहासिक जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, पूज्य महाराज जी की। पूरे शहर में बूथ जा रहे हो? ऐतिहासिक लाइन लगी है, बस ऑफिसर्स को सबको जाके हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी करें, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं धूप बढ़े और महिलाएं बहुत देर दो दो घंटे खड़े हैं सब। हम वही इसीलिए सब बूथ जा रहे हैं कि ज़रा लाइन जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि लाइन बढ़ती जा रही है। तुरंत निकली है, ये महायज्ञ है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई में आप लोग निकलिए, पूज्य महाराज जी का सम्मान लौटाइए। योगी महाराज जी की जीत, हमारे नरेंद्र मोदी जी की जीत होगी, मेरी सीट की जीत सीधे हमारे प्रधानमंत्री के खाते में जाएगी और एक बार फिर मोदी सरकार एक मजबूत सरकार बनेगी और मेरा एक नया भारत जो मोदी जी का सपना है उसका जन्म होगा। 2022 तक यहाँ से गरीबी और हर गरीब को मकान मिलेगा और एक सोने की चिड़िया जो भारत हुआ करता था उस रास्ते पे हम बढ़ चुके हैं।